Hello, Assalamu alaikum, namaste everyone. This is your Sozab and welcome back to my YouTube channel, the Sozu Space. I hope you guys are absolutely fine. आज है 16th of November और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज जो है डाली यूनिवर्सिटी का 37th एनुअल एनिवर्सरी स्पोर्ट्स मीटिंग है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और साथ में है मेरे डैनी और सुनील. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डाली. डाली लोग चाहें तो स्कूटी से भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा है. इस टाइम में टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अगर स्कूटी से जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी की बस से जा रहे हैं. गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड डाली कैंपस और साथ में है मेरा छोटा भाई आकाश. गाइज, हम लोग एंट्री करते हैं. यहाँ पे सब लोग पहुंच चुके हैं, चाइनीज हैं, साउथ एशियन स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, तो आज का इवेंट पूरा देखते हैं. दिस इज द एंट्री गेट. गाइज, मैं आपको एक स्पेशल दोस्त से अपने इंट्रोड्यूस कराता हूँ. जैसे अपने इंडिया में रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं, ऐसे यहाँ पे हमारे जुनैद भाई प्रेसिडेंट हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जुनैद अकरम. तो जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया. वेलकम भाई. और ये बताइए कि आज का जो इवेंट है वो क्या है और क्या क्या इसमें होने वाला है. देखिए, आज का जो इवेंट है उसको हम लोग अगर चाइनीज में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे. मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में या फिर हिंदी में. सो इवेंट है द 37th डाली यूनिवर्सिटीज एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए हुए हैं. ओपनिंग सेरेमनी, वो किस चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी है? ओपनिंग सेरेमनीज में जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी अलग अलग नेशंस के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने कल्चर को, अपनी ड्रेसेस को एग्जिबिट करते हैं एक परेड के थ्रू. उसके बाद फिर कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, जैसे चाइनीज डांसेस की ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, कुछ हर एक नेशन के स्टूडेंट वो ड्रेसेस उस पर्टिकुलर कल्चर के ड्रेस को पहनकर दे परफॉर्म देयर डांसेस, लाइक थाई चीज देयर एंड देयर एरोबिक्स एंड देयर अदर फॉर्म्स ऑफ डांस फॉर्म्स. सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस then we will be starting with the sports events like 100 meter, 200 meter, 300, and they are different events for the sports activities. तो जैसा जुनैद भाई ने बताया, हमारे अपने इंडिया में स्पोर्ट डे पे होता है खाली स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे साउथ एशियन स्टूडेंट हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो उनका मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके सब लोग अपनी कंट्री के आए हैं और परेड होगी, तो वही सब लोग देखते हैं.学员以走下网络、走出宿舍、走向操场为契机，不断增强全民健身和全民健康的意识，营造一个健康向上的氛围。现在向我们走来的是机关代表队，这支由学校机关各部门职工组成的充满活力、蓬勃向上的团结支队，以竭诚服务、科学管理为理念，在全校各个领域的管理和服务工作中团结一致、兢兢业业。他们步伐矫健、斗志昂扬，折射出坚定信念和满腔热情。知先后人所得的理念，身为后勤人的他们虽然平凡但绝不平庸，做的虽然是小事但成就的是大事。该公司代表学校管理经营性资产和股权，承担国有资产的图书馆代表队，图书馆以服务师生、提高利用、办出特色为办馆宗旨。在代表队，他们朝气蓬勃，热情洋溢，团结奋进。公共卫生学院囊括预防医学华章，用激情诠释辉煌。现在向我们走来的是护理学院代表队，看淡雅洁动谱写一支医学生青春激昂之歌。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，
现在向我们走来的是基础医学院方队，基础医学院的速度，燃烧的激情，拼搏的勇气。恰同学少年风华正茂，飒爽用力终归他们。乐曲激昂，铿锵教科闪亮登场。现在向我们走来的是教育科学学院师范学院的同学们，朝气与活力在每一个人身上回报，昨日的汗水必能成就今朝的辉煌。听青春飞扬，以稳健的步伐，嘹亮的口号，向我们走来的是马克思主义学院的师生代表们。马克思主义学院承担着全校本科生和研究生的公共思想政治，用团结凝聚力量，用汗水铸就辉煌。现在朝主席台走来的是民族文化研究院，上海绽放，争创佳绩。此刻迈着矫健的步伐向我们走来的是体育科学学院代表队，体育科学学院本着立足体育教育，一腔热血难自控，豪气冲天少年郎。在我们翘首以盼的期待中，外国语学院的同学们正伴着秋天的风昂首阔步的走来，他们震动健儿们。放飞激情，他们不畏鲜花，不畏掌声，为的是心中那股文苑回家的豪情。迎着秋风，迎着朝阳，踏着矫健的步伐，迎着风，继续发扬团结拼搏的精神，赛出水平，赛出风格。工程学院意气风发的留学生代表队，代表着大理大学1000多名留学生，带着多彩的文化，绚丽的风情，天南海北，相距离大。参赛学院组长。
गाइस इवेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है और नए वाले कैंपस की तरफ जो इवेंट था वो था ओल्ड वाले कैंपस में, और जो मतलब साउथ एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो रहते हैं नए वाले कैंपस में, तो वो हमारा मैन है। पहले बस तो आ जाने दे तब तो चलेंगे। बस अभी तक आई नहीं है, हम उसका वेट कर रहे हैं जब तक तो थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज़ मैं शियागोन कैंपस आ चुका हूँ जो मतलब नया वाला कैंपस है। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मतलब शोर है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकता बिकॉज ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी, तो मैं साइड में आकर के शूट कर रहा हूँ। तो कुछ गेम हो रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ जब तक आप। मैंने गेम का इतना शूट नहीं किया बिकॉज थोड़ा काम था मुझे, तो जितना शूट हो सका उतना मैंने किया था जो मैन था, लेकिन जो गेम्स होते हैं वो लगभग सेम थे सारे इंडिया जैसे, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ सोजब, बाय बाय। ओके प्रोड्यूसर नहीं कैमरा, मैं डायरेक्टर।